हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास गाइस। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड एक और वीडियो के बारे में। लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट सेशन में हमने आपको डिस्क्राइब किया था एक्टिव डायरेक्टरी, ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर के बारे में, जिसमें हमने प्रैक्टिकली देखा था कि कितने तरीके के ऑब्जेक्ट, कितने तरीके के कंटेनर्स हमारे एडी में अवेलेबल रहते हैं। आज की जो वीडियो है ये आप मान सकते हैं कि जो लेटेस्ट इंटरव्यू है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे से रिलेटेड, उसमें से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है, इस पर्टिकुलर वीडियो से मिलने वाला है। क्योंकि एज पर माय कन्वर्सेशन विद व्यूअर, एज पर द फीडबैक ऑफ आवर व्यूअर, सो उन्होंने बताया कि जो लेटेस्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या इंटेल के जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें से जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, स्पेशली सर्वर से रिलेटेड जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, उनमें से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो पूरी तरीके से बेस्ड है सर्वर 2022, यू नो दैट कि मार्केट में सर्वर 2022 अवेलेबल हो चुका है। सो क्योंकि यू नो दैट कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली कभी ना कभी, आज नहीं तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद, वो सर्वर 2012 से कहीं ना कहीं 16 पे या 19 पे या 2022 पे मूव करेगी। सो इसमें हम आपको कंपेयर करने वाले हैं, इसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे बेसिकली सर्वर 2012 में कितने फीचर्स और रोल अवेलेबल हैं, 2022 में कितने फीचर्स और रोल अवेलेबल हैं, किस तरीके से एडी इंस्टॉल करते हैं, क्या नया, क्या एडिशनल फीचर्स इसमें ऐड किया गया है सर्वर 2022 में, इनके बारे में बात करेंगे। बिकॉज यू नो दैट अगर हम बात करें आईटी डिपार्टमेंट, तो दुनिया की एक ऐसा एकमात्र डिपार्टमेंट है जिसमें हमें जब तक जॉब है, जब तक जॉब करेंगे हम, हमेशा हमें अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो दैट्स व्हाई चलिए डिस्कस करते हैं सर्वर 2022 पे के बारे में। यहाँ पे हमने दोनों सर्वर कनेक्ट करके रखे हैं। दिस इज अवर सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस वन इज अवर सर्वर 2022 2022 सर्वर का ये लुक है। कहीं ना कहीं ये विंडोज 10 की तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसके डेस्कटॉप की बात करें सर्वर 2012 पे, तो ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कंपेयर कर सकते, मतलब बाय लुक कोई नहीं बता सकता कि ये सर्वर 2022 है या विंडोज 10 है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें लुक देने की कोशिश की गई है विंडोज 10 की। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप देखिए यहाँ पे कोर्टाना बिल्कुल पूरी तरीके से गायब है। 2000 विंडोज 10 का फीचर है कोर्टाना, यहाँ पे उसको फिर से ऐड कर दिया गया है, राइट। एक तरीके से सर्च बॉक्स है या स्पॉटलाइट आप बोल सकते हैं, जहाँ से आप अपनी चीज़ों को डायरेक्टली यहाँ से टाइप करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई बेसिक से फीचर्स की, लेकिन अगर हम यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं, यहाँ पे 2022 पे सर्वर 2022 पे सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं और इसको कंपेयर कराते हैं अपने 2012 से, इसका सर्वर मैनेजर और यहाँ पे सर्वर मैनेजर, लुक वाइज तो दोनों का इक्वल है, बट बात होती है यहाँ पे फीचर्स और इनमें जो रोल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करते हैं, सेम बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट। दिस इज द पेज जहाँ से हम अपने रोल्स को सर्वर पे रोल्स को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे क्लिक करें अपने सर्वर 2012 के ऊपर, सेम प्रोसीजर हम इस्तेमाल करेंगे रोल्स को इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन जो गैप है, जो डिफरेंस है इनके बीच में, सर्वर 2012 विल गिव यू अप टू 17 डिफरेंट फीचर रोल्स, 16-17 डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम बात करें 2022 की, तो इसमें आपको मिलते हैं टोटल 22 रोल्स मिलेंगे। और कंपेयर कर लेते हैं कौन सा इसमें अवेलेबल है, एडिशनल है, कौन सा इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइस हेल्थ अटेंशन, ये वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह तो अवेलेबल, लाइट वेट अवेलेबल है, फेडरेशन सर्विसेज अवेलेबल है, एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है डिवाइस हेल्थ अटेंशन, ये एडिशनल आपका सर्वर 2022 में इन्वॉल्व कर दिया गया है। फैक्स सर्वर की बात करें तो फैक्स सर्वर अवेलेबल है, DHCP अवेलेबल है, DNS अवेलेबल है, यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है, यहाँ से एप्लीकेशन सर्वर को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट एक और एडिशनल फीचर्स की बात करें यहाँ पे, तो होस्ट गार्जियन सर्विस के अंदर आप अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड, सर्वर की सिक्योरिटी, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कंपेयर कर लेते हैं। होस्ट गार्जियन सर्विस सर्वर 2022 में ऐड कर दी गई है, जबकि सर्वर 2012 में ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करे या मॉनिटर करने के लिए यूज़ की जाए। हाइपरवाइजर, जाहिर सी बात है इसमें भी हाइपरवाइजर अवेलेबल है, स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें NPA, नेटवर्क पॉलिसी सर्विस, नेटवर्क कंट्रोलर सर्विस, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट, रिमोट एक्सेस, ये सारी सर्विसेज हैं। एक और सर्विस है वॉल्यूम एक्टिवेशन सर्विसेज, सो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो नहीं, वॉल्यूम एक्टिवेशन सर्विसेज अवेलेबल है, नेटवर्क की अवेलेबल है, एक्सेस अवेलेबल है, ठीक है। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस, यस, यहाँ पे भी अपने पास विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, यस। और अदर सर्विस को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो
डन, फेडरेशन सर्विसेज, सेक्रेटरी फेडरेशन सर्विसेज, डोमेन सर्विसेज, ऑल सर्विसेज, टोटल जो रोल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं गैप है इनके बीच में, मल्टीपल गैप्स हैं। यहाँ पर नेटवर्क कंट्रोलर सर्विस नहीं अवेलेबल है, जबकि अगर हम बात करें सर्वर 2022 में नेटवर्क कंट्रोलर की सर्विस अवेलेबल है। तो ये बेसिकली गैप है दोनों के बीच में। अगर हम बात करें हाइब्रिड इन्वायरमेंट की, तो सर्वर 2022 पे आपको हाइब्रिड इन्वायरमेंट बनाने का सेट ऑप्शन मिलता है, कि मीन्स आप इस पूरे अकाउंट को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो ये गैप है। नेक्स्ट अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा गैप है। टोटल नंबर ऑफ़ फीचर्स की बात करें भी, अगर अपने सर्वर 2012 में तो टोटल 52 फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपने सर्वर 2022 की, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ फीचर हैं 65 फीचर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ फीचर 65, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ फीचर्स की बात करें तो 52 फीचर्स अवेलेबल हैं। गाइस, इसमें हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे मोर अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, एक्टिव डायरेक्टिव वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, डीएससीपी कैसे इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।